मजदूरों की दुर्दशा की तस्वीर आप सभी ने देखी होगी, लेकिन अब मूर्तिकारों के परिवार में भी भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। वजह है कोरोना के चलते सारे तीज और त्योहारों को मनाने के लिए प्रशासन ने रोक लगा रखी है, चाहे वो नवरात्रि का पर्व हो या गणेश चतुर्थी के पर्व हो। मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई मूर्तियां उनके गोदामों में खड़ी धूल फांक रही हैं और उनको बनाने में उनका सारा पैसा और मेहनत बर्बाद हो चुका है। अब गणेश चतुर्थी का पर्व होने के बावजूद गणेश जी की इक्का दुक्का ही मूर्तियों के बिकने से मूर्तिकारों के दुकानों में सन्नाटा पसरा हुआ है और उनका परिवार दाने दाने को मोहताज हो चुका है। देखिए खमीरपुर की खास रिपोर्ट, कोरोना काल में मूर्तिकारों की कारीगरी अब बेरंग हो गई है। अपने हाथों की कारीगरी से मिट्टी को भगवान का रूप देने वाले इन कारीगरों ने जो मूर्ति निर्मित की है वो अब यहाँ खड़े खड़े अपने भक्तों का इंतजार कर रही है, क्योंकि कोरोना के चलते शासन ने नवरात्रि व गणेश पूजा में मूर्ति रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब इन मूर्तिकारों की मूर्तियों की खरीदार भी गायब हैं, जिससे अब ये परिवार भुखमरी की कगार में पहुँच गए हैं। मूर्ति बिक्री, एक दो मूर्तियां बना रहे हैं छोटी सी जो कि आर्डर है घर के लिए, इसके अलावा कोई मूर्तियां नहीं बन रही हैं। हमारा घर परिवार चल भी नहीं रहा सही से, जो पहले चलता रहा है अब जो है तो बहुत स्थिति हमारी बुरी है। हर साल की वजह इस साल ज़्यादा ही धीमी गति से बिक्री हो रही है। हाँ वो ही नहीं रही है, एक ही दो आर्डर हैं जो कि छोटे छोटे घर वाले हैं, एक दो किट के वही बना रहे हैं। मूर्ति बिक्री भी चौपट है सब, पूरा काम समझ में नहीं आ रहा कहाँ करें हम कहाँ ना करें। छोटी मूर्तियों का थोड़ा बहुत आर्डर था वो भी कैंसिल हो गया जी। सब लड़के जितने काम करते थे सब बेरोजगार घूम रहे हैं, 10-12 लड़के काम करते थे जी, आए तो हमने कहा भाई हम ही चौपट बैठे हैं तो तुमको काम कहाँ से दे देंगे। ये रखी है 2-4 तो बनी हुई मूर्तियाँ, ये भी उठना नहीं, आर्डर नहीं मिल रहा रखने के लिए, वहाँ आदेश ना मिलेगा कैसे आदमी रखेगा। इस टाइम में भरा रहता था पंडाल, बुद्धि नहीं काम कर रही साली, क्या करें कहा। साल भर का था ये हमारा धन, एक बार धंधा होता था वो चौपट है कोरोना की वजह से। ऐसे में घर की स्थिति क्या है? अब घर की स्थिति बहुत खराब है भैया। चले बात करते अगली खबर की। यूपी के हमीरपुर जिले भरुआ सुमेरपुर कस्बे के वार्ड नंबर 18 में नाली नहीं होने से लोग नारकीय जीवन जीने के मजबूर है। कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने से आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वार्ड नंबर 18 निवासी ने बताया कि कच्चे रास्ते में जल भराव होने से समस्या हो रही है। जल भराव होने से छोटे बच्चों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। दुपहिया व चार पहिया वाहन घर तक नहीं पहुंच पाते हैं। आए दिन बुजुर्ग व बच्चे गिरकर घायल हो रहे हैं। भलावासियों ने कई बार पंचायत को इसकी समस्या से अवगत कराया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बताया कि करीब 1.5 महीने पहले एक बाइक सवार गिर गया था, इसके बाद इलाज में हजारों रुपए खर्च हो गए। कहा सड़कें ना होने से मोहल्ले में बिजली के खंभे भी नहीं लग पा रहे हैं और इतनी दिक्कत हो जाती है कि कोई रात में आ जा नहीं पाता, ड्यूटी वाले वो भी परेशान है, गाड़ी है और वाहन कहाँ खड़े किए जाएं, इतनी दिक्कत है। हम कम से कम 2 साल हो गए चेयरमैन के यहाँ जा रहे हैं और मेंबर से भी कहा है और उधर जा रहे हैं टाउन एरिया जा रहे हैं, इतने परेशान हैं यहाँ से, हम 10 साल रह रहे हैं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है, हर जगह जा चुके हैं, बहुत परेशान हैं। यहाँ के आपने चेयरमैन साहब को इस बात से अवगत कराया है? हमने कराया, हम सब लोग गए हैं वहाँ पर भी। क्या कहना उनका? उनको उनका कहना है कि ठीक है आपकी समस्या हल हो जाएगी। फिर भी हल नहीं हो रही? नहीं हो रही है, बहुत दिक्कत है हमें चलने में। इसलिए हमने 3 बार अवगत कराया है, शासकीय अभियंता के साइन भी है, रिसीविंग भी हमारे पास, चेयरमैन साहब के भी रिसीविंग है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ जो भी आते जाते हैं बच्चे हमारे निकलते हैं या पड़ोसियों के निकलते हैं उनको इतने कभी गिरते हैं फिसल के, कभी चोट लगती है, रिश्तेदार आना बंद कर दिए हैं मोहल्ले में, किसी भी मकान में कोई भी रिश्तेदार नहीं आना चाहता है, यहाँ शादी संबंध करना भी मुश्किल है। हमने अपनी बच्ची को कहीं संबंध नहीं किया, वो लोग जो है तो रास्ता देख के ही चले गए, तो ये क्या करें। हम लोगों ने तो बहुत अवगत कराया, नहीं सुनवाई हो रही तो क्या किया जा सकता है। चले मैं रुक करते हैं पलवल का। पलवल रोची क्लब संस्था के तत्वाधान पलवल व अपना ब्लड कैंप पलवल के संयुक्त तत्वाधान में पप्पन प्लाजा में आयोजित किया गया थैलीसीमिया से ग्रस्त बच्चों के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में 80 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व गुजरात के सह प्रभारी गौरव गौतम थे। पलवल रोटी क्लब श्याम सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान कोविड-19 महामारी के दौरान थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्त का संकट गहरा रहा है। थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को रक्त उपलब्ध करवाने के लिए यह स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया है। सेवा समिति के अध्यक्ष अमन शर्मा ने बताया, अपने स्वर्गीय दादाजी की पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन, थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। 11 तारीख को रक्तदान किया, आज ये पुण्य कार्य पंडित नेहरू लाल शर्मा जी की पुण्यतिथि में आज रोटरी क्लब ने साथ मिलकर दुनिया की ऐसी संस्था जो समाज का काम करती है, आज इन्होंने रक्तदान का कार्यक्रम शुरू का कार्यक्रम किया है, जिसमें हमारे शहर के सारे सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति आए। उन्होंने ब्लड डोनेशन करके समाज को प्रेरणा देने का काम किया है कि लोग आगे आएं, जिससे जो गरीब और जिन लोगों तक जो खून की वजह से कहीं ना किसी न किसी रूप में या जो वीर जवान शहीद जो हमारे होते हैं कहीं ना। अमन जी, आज ब्लड डोनेशन कैंप आपने लगाया है, क्या है पूरा प्रोग्राम? आज मेरे पूज्य दादाजी श्री नेहरू लाल शर्मा जी की पुण्यतिथि है, उस अवसर पर हम श्री श्याम सेवक परिवार 11 तारीख और रोटरी क्लब की ज्वाइंट ऑर्गेनाइजिंग से हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और उम्मीद है कि हम ये ब्लड डोनेशन कैंप अब हर साल दादाजी की पुण्यतिथि पर इसको हर साल लगाया करेंगे। और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई जिस महामारी से हम अभी निकल कर आए हैं तो ब्लड की बहुत कमी है। बात करते हैं अगली खबर की। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 36 लाख की लागत से 4 नए ट्यूबवेल लगाए जाने के कार्य का शुभारंभ किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इन ट्यूबवेलों से सेक्टर 64, 65, 62 हरि विहार, सुभाष कॉलोनी, आदर्श नगर, विष्णु कॉलोनी के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि बल्लभगढ़ शहर में पानी की समस्या को लेकर वह स्वयं नजर बनाए हुए हैं और इस कार्य को पूरा करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ लगातार तालमेल बनाकर ये कार्य करवाए जा रहे हैं। और बताया कि पिछले दिनों भी 6 ट्यूबवेल जनता को समर्पित किए गए थे, जल्द ये ट्यूबवेल भी जनता को रेगुलर पेयजल आपूर्ति के लिए समर्पित हो जाएंगे। क्या कार्यक्रम किया गया है आज? हमने पानी की जो ट्यूबवेल है उनका मुहूर्त करा है कि पानी की समस्या जो वार्ड वाइज है इसका वार्ड लाभ 38 के 39, 40 तीनों वार्डों पर इसका पानी का लाभ मिलेगा। 4 ट्यूबवेलों का आज मुहूर्त। कितने ट्यूबवेलों का उद्घाटन किया और कब तक चालू हो जाएंगे? 20 दिन में चालू हो जाएंगे। कितने लोगों को लाभ मिल पाएगा इससे? सारे शहर को लाभ मिलेगा, जहाँ जाएगा पानी बूस्टर से मेन सप्लाई रहेगी, बूस्टर में पानी जाएगा और बूस्टर से हर मिलेंगे। सर कौन से सेक्टर का ये आपने डिस्पोजल का उद्घाटन किया? हाँ जी, कौन से सेक्टर का? बूस्टर का, बूस्टर पानी जाएगा जहाँ बूस्टर। चले बात करते हैं अगली खबर की। दादरी कोर्ट परिसर में अपनी नौकरी बहाली के लिए बर्खास्त पीटीआई का धरना 98 दिन भी निर्विरोध रूप से जारी रहा। सेवामुक्त पीटीआई अपने 14 अगस्त को जेल भरो आंदोलन को कामयाब करने के लिए 6 टीमों का गठन किया था, जो शहरी व ग्रामीण स्तर पर अभियान चलाकर जन सहयोग जुटाने का काम कर रही है। धरना समिति जिला प्रधान सज्जन कुमार ने बताया कि जेल भरो आंदोलन को सभी अभी तक कर्मचारी यूनियन, सामाजिक संगठनों सहित खा पंचायतों का पूरा समर्थन मिल चुका है। इस आंदोलन को अधिक मजबूती देने के लिए अब शहरी व ग्रामीण स्तर पर जन सहयोग मांगा जा रहा है। ये तीन ब्लॉक हैं, तीनों ब्लॉकों की हमने 6 टीमें बना दी हैं। जो हमारा 14 तारीख का जेल भरो आंदोलन है उसके लिए हम ग्रामीण स्तर पर और स्कूलों में जाके हम ये सरकार के विरुद्ध ये एक जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं 14 तारीख को, तो उसके लिए हमने 6 टीमें तैयार की हैं और हम सभी को जागरूक कर रहे हैं कि इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम निर्दोष हैं, हम निर्दोष सरकार के खिलाफ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम 14 तारीख को जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं सरकार के लिए, क्योंकि आज हमारा अनशन का 57वां दिन है और ये गूंगी भैरी सरकार। चले बात करते हैं फरीदाबाद क्षेत्र की। पिता की मार से गुस्सा होकर दो बच्चों ने छोड़ा घर, रहा भटके तो राहगीरों ने पहुंचाया स्टेट क्राइम तक, तो स्टेट क्राइम की टीम ने उनके माता पिता तक पहुंचाया।
जी हाँ, ये मामला फरीदाबाद के शाहपुर गांव में रहने वाले धर्मपाल सिंह के साथ घटित हुआ। उनके मुताबिक लगभग एक हफ्ते पहले उन्होंने अपने बच्चों की पिटाई कर दी थी, जिसके चलते इनके बच्चों ने शुभ धोकर घर छोड़ दिया था। लेकिन उनके अब दोनों बच्चे उनके घर साकुशल हैं, जिसके लिए वे स्टेट क्राइम टीम का धन्यवाद करते हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहे छोटे बच्चे हैं, जिनकी तस्वीरों को तो हम साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन इनके बारे में हम कुछ बता जरूर सकते हैं। ये बच्चे फरीदाबाद के शाहपुर गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपने माता पिता की पिटाई से नाराज होकर घर छोड़ दिया था और ये बाईपास रास्ते से होते हुए बुलंदशहर जाना चाहते थे, लेकिन रात होने के चलते ये बच्चे रास्ता भटक गए और फरीदाबाद के केली बाईपास रोड के समीप रोने लगे। तभी देर रात वहां से गुजर रहे राहुल शर्मा ने इन्हें देख लिया। राहुल ने रुक कर इनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि वे लोग बुलंदशहर के लिए जा रहे हैं। कल 6 बजे निकले हैं। तो कहां कहां आपने ढूंढा, कैसे प्रयास किया? पूरे गांव में ढूंढा, उसके बाद फिर बल्लमगढ़ के थाने में भी गए। तो कैसे पता चला कि बच्चे वहाँ, जैसे कहीं उस सीकरी में कहाँ पकड़े पता नहीं हमें, तो वहाँ SHO साहब ने बताया कैसे तुम्हारे बच्चे सलामत है, फिर हमको धमकाया गया। कितनी उम्र है, क्या करते हैं बच्चे, स्कूल पढ़ते हैं? हाँ, एक बच्चा तो 12 साल का 13वीं में लग गया, एक 8 साल का, एक 2nd में पढ़ता है, छोटा बड़ा 6 में। कौन लगते हैं आप बच्चों के? पिताजी हैं। तो किस बात को लेके घर से निकले थे बच्चे? साहब, एक 8 दिन पहले, 8-7 दिन हो गए, हम 2-3 डंडी मार दी बस, उसके बाद कोई बात नहीं। हम दोनों में अभी बेलदारी करते हैं और अपना कल हम बेलदारी करने गए तो रात को 8 बजे छोड़े हमने, हमारे पास सबूत भी है क्योंकि हम एक फैक्ट्री में बेलदारी कर रहे हैं। बच्चे को डंडी मार दी थी इसलिए घर से निकले? हाँ, एक हफ्ता पहले मारी थी तो इसलिए घर से निकल गया। अब कैसे भी समझ लो साहब। तो कहाँ के लिए निकले थे बच्चे? ये हमको क्या पता, हम तो आए तो हमें तो नहीं मिले, उसके बाद हमने गाँव में डोले ढूँढे सब जगह, जब गए हम पुलिस को गाँव में कुछ पता नहीं पहुँचाऊँ, और हमने सीकरी पुलिस चौकी को भी इन्फॉर्म किया है, चाइल्ड लाइन को भी इन्फॉर्म किया है, मैं और चाइल्ड लाइन से हमारे साथी वह मौके पर पहुँचे हैं और हमने दोनों बच्चों से घर परिवार के बारे में पता जाना, लेकिन बच्चे कुछ परिवार का पता नहीं बता रहे थे। उसके बाद फिर हमने बच्चे से काउंसिल किए, जो सीरियल शेयर पर्सन है उनको हमने मैसेज दिया, सर दो बच्चे इस तरह के हालात हैं, तो उन्होंने आदेश दिया कि भी आप इन बच्चों को SOS है Sector 29 वहाँ छोड़ दी जाए, उसके बाद कल सुबह इनकी प्रॉपर काउंसिलिंग करेंगे। तो उसके बाद तो आज सुबह बच्चों से हमारी बात हुई है, बच्चों ने जो बताया उसके आधार पर हमने पता किया है, तो ये बच्चे साहूपुरा गांव के रहने वाले निकले हैं, तो साहूपुरा गांव के इन बच्चों, इनके पिताजी को इन्फॉर्म करके इनके माँ बाप को हमने बुलाया है और उनके हवाले सीरियल का आदेश उनके हवाले। चलिए बात करते अगली खबर की। फरीदाबाद के सेक्टर 18 में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किया पौधारोपण, ऑर्गेनिक पौधों को लगाकर क्षेत्र में हरियाली लाने के लिए दिया संदेश। सेक्टर 18 पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा, जिस तरह से हरियाणा में एक संकल्प लिया गया है, पूरे हरियाणा के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में यहां भी पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया और इस पार्क में ऑर्गेनिक पौधे लगाए गए। इन पौधों को लगाने में कुछ हिस्सेदारी सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं की भी है। विपुल गोयल ने कहा कि इस तरह का कार्य फरीदाबाद में अनेकों सालों से किया जा रहा है और हर वर्ष फरीदाबाद में पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाता है। हमारा इस हर्बल पार्क को बनाने का, इस पैंडेमिक COVID-19 के टाइम पे, इस पैंडेमिक से लोगों को जड़ी बूटियों के रूप में जो आज हमने पौधे लगाए हैं उनसे अवगत कराना है, ताकि इस महामारी से हम अत्यधिक लोगों को जागरूक करें और घर में रहकर भी हम इस बीमारी को अपने से, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर दूर रख सकें। मैं आज यहां पर अपने प्रशासनिक अधिकारियों से ये अपील करना चाहूंगी कि वे हमारी संस्था के साथ मिलकर और फरीदाबाद में जितने भी हुड्डा पार्क्स हैं उसका 30-40% एरिया हर्बल पार्क के रूप में डेवलप करें, ताकि हम इस संस्था को भी आगे बढ़ाएं और लोगों को भी अवेयर कर पाएं। और वैसे भी जो वृक्षारोपण है ये एक विश्व की सबसे जटिल समस्या ग्लोबल वार्मिंग है उससे भी हमें बचाता है। ये पक्षियों के आवास स्थान भी हैं जिनको आवास हम दे सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी हमारे को वर्षा इनसे मिलती है। तो मैं तो अपने प्रशासनिक अधिकारियों से यही कहूंगी कि हर पार्क को, वृक्षारोपण और हर्बल पार्क दोनों को ही बढ़ावा दें। धन्यवाद। लाला लाजपत राय। सर, आज पार्क में जो आयुर्वेद से जुड़े पौधे हैं उनसे लगाए गए हैं और हरियाणा सरकार का अभियान भी चल रहा है हरा भरा हरियाणा, तो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से पर्यावरण को बढ़ रहा है? आज देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो अपने अध्यक्ष पद की ओथ लेने के साथ साथ ही ये
कार्यकर्ताओं का को एक आह्वान किया और एक संकल्प लिया कि पूरे हरियाणा के अंदर हम पौधारोपण करेंगे। और ये पौधारोपण हम फरीदाबाद के अंदर पिछले अनेकों सालों से रेगुलर करते आ रहे हैं, तो उसी के तहत आज सेंट्रल पार्क ने इनर व्हील के तहत जो मिसेज वीना गोयल, रेखा गुप्ता, प्रियंका सूद, मिसेज अमिता चावला और जितने भी जो लोग हैं, सरिता गुप्ता जी, डॉक्टर चांदना साहब, अनिल जी और अंकल बनवारी लाल जी, जितने भी जो लोग यहाँ पर हैं, इन सब ने मिलकर सेंट्रल पार्क को एक हर्बल पार्क बनाया है। चलिए मैं रुक करते अगली खबर का। बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर अजरौंदा और दौलताबाद के किसानों ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी सरकार उन्हें मुआवजा नहीं दे रही है। नारेबाजी करते नजर आ रहे ये लोग दरअसल फरीदाबाद के अजरौंदा और दौलताबाद के किसान हैं। इन किसानों का आरोप है कि 1995 में इनकी जमीनों को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि 1998 में पूरी हो गई है। बाद में मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर ये लोग कोर्ट गए, जहां से 2019 में इनके पक्ष में फैसला सुना दिया गया। किसानों के मुताबिक कोर्ट ने सरकार को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के आदेश दिए। किसानों का आरोप है कि 2019 में कोर्ट ने इनके पक्ष में आदेश दिए थे, लेकिन तब से अब तक उन्हें मुआवजे की पूरी राशि नहीं दी गई है। आरोप है कि तब से अधिकारी लगातार फरीदाबाद और चंडीगढ़ के बीच में उन्हें धक्के खिलवाते रहे और अब जाकर अधिकारी कह रहे हैं सरकार के पास अभी किसानों का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है। दौलताबाद, अजरौंदा ए और बी दोनों सेक्टर एक्वायर किए गए थे जी। अभी तक किए गए थे ये 95 में सेक्शन 4 लगी थी, 98 में अवार्ड हुआ था और ये जो ऑर्डर है हमारा ये 11/3/2019 का है। 2019 से और अब तक 1.5 साल से हम उड्डा प्रशासक के चक्कर लगा लगा करके पाम टूट गए हैं, जबकि इनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इन लोगों ने हमें कहते हैं पंचकुला जाओ तो हम पंचकुला जाते हैं, पंचकुला वाले कहते हैं फरीदाबाद जाओ तो हम फरीदाबाद आते हैं और इस तरह से ये कर करके हमें चक्कर लगवाते रहे 1.5 साल से और आखिर में आके हमारे को ये जवाब दे दिया गया कि हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको 415 रुपए के हिसाब से मुआवजा और दिया जाए। कितने किसान है और कितना मुआवजा बनता है किसान का? हमारा जो किसान है उसका करीब 400 करोड़ रुपया मतलब इनके पास हमारा है दोनों गांवों का। कितने किसान होंगे टोटल इसमें? किसान करीब 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 800-900 है। 800-900 किसानों की जमीन है ये और इन्होंने आज तक मुआवजा देने में आनाकानी करते हैं और इस तरह से ये लोग कहते हैं भाई वहां जाओ। अब तक ये जो एक बहाना और लगाते हैं, कहते हैं जी जमीन पे किसानों ने कब्जा कर रखा है, वो जमीन पे किसान उन किसानों ने किया है जिनके मकान बने हुए हैं, जिन्होंने मुआवजा नहीं उठ लिया आज तक भी, उस मकानों को तोड़वाने के लिए ये सरकार आमदा है। हम कहते हैं अगर पैसा आपके पास नहीं है तो हमारी जमीनें जो खाली पड़ी हैं हमें वापस की जाएं और जो हमारे किसान भाइयों के मकान बने हुए हैं जिनके हाई कोर्ट